नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 15 जून, वार है गुरुवार। हम बात करेंगे मिलों की मांग घटने से उत्तर भारत के राज्यों में तीसरे दिन कॉटन नरम हुई है, वहीं दैनिक आवक में कमी हुई है। जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। मिलों की मांग कमजोर बनी रहने की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन कॉटन के भाव नरम हो गए हैं, जबकि इन राज्यों की मंडियों में कपास की दैनिक आवकों में कमी दर्ज की गई है। आईसी कॉटन वायदा के भाव में बुधवार को गिरावट का रुख देखा गया था। जुलाई 23 वायदा अनुबंध में कॉटन की कीमतें 0.93 सेंट कमजोर होकर 81.79 सेंट हो गई थी। इस दौरान सितंबर 23 वायदा अनुबंध में इसके दाम 0.91 सेंट कमजोर होकर 80.11 सेंट हो गए। आज भी आईसीई का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन के भाव में गिरावट का रुख देखा गया। उत्तर भारतीय कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम काफी साफ है। विदेशी बाजार में पिछले 3 दिनों से कॉटन कीमतों में मंदा बना हुआ है। साथ ही घरेलू बाजारों में भी स्पिनिंग मिलों की खरीद कमजोर बनी रहने से इसके दाम लगातार तीसरे दिन भी कमजोर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में सूती धागे की कीमतों में मंदी आई है, जिस कारण मिलों को पड़ते नहीं लग रहे हैं, यानी कि भाव नहीं बैठ रहे हैं। वैसे भी इन राज्यों की स्पिनिंग मिलों के पास 2 से 2.5 महीने की खपती कॉटन का स्टॉक है और 1.5 से 2 महीने बाद इन राज्यों में नई कपास की शुरुआती आवक शुरू भी हो गई जाएगी, इसलिए मिले जोखिम नहीं दिख रहे हैं। अंततः हाजिर बाजार में कॉटन कीमतों में अभी सीमित गड़बड़ बनी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें समय समय पर दे सकें। उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की मंडियों में कपास की आवक 1700 गांठ की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक 1800 गांठों की हुई थी। घरेलू पायदा बाजार में आज कॉटन की कीमतों में मिलाजुला रुख देखा गया। NCDEX पर अप्रैल 24 वायदा अनुबंध में कपास की कीमतें 3.5 रुपये कमजोर होकर 1483 रुपये प्रति 20 किलो हो गई हैं। इस दौरान MCX पर जून 23 वायदा अनुबंध में कॉटन की कीमतें 180 रुपये तेज होकर 58,660 रुपये प्रति कैंडी हो गई। कपास के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन की मंडियों में 6,900 से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए, जबकि ऊपरी राजस्थान लाइन में इसके भाव 7,000 से लेकर 7,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। बिनौला के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन में 3,000 से लेकर 3,300 रुपये और ऊपरी राजस्थान लाइन में 3,200 से लेकर 3,400 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव 5,875 से लेकर 5,975 रुपये प्रति मन यानी कैंडी के हिसाब से 55,900 से लेकर 56,800 रुपये बोले गए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5,675 से लेकर 5,775 रुपये प्रति मन यानी कैंडी में 54,200 रुपये से लेकर 55,200 रुपये बोले गए। ऊपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 6,025 से लेकर 6,175 रुपये प्रति मन यानी कैंडी में 54,700 से लेकर 58,700 रुपये बोले गए हैं। राजस्थान के पिलाली में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 6,100 से लेकर 6,200 रुपये प्रति मन बोले गए। लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 55,200 से लेकर 57,500 रुपये कैंडी हो गए हैं। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देता है। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।